हम जान सकते हैं हमें किस बेसिस पर रिजेक्ट किया गया है? क्योंकि हमारे ट्रैक के नंबर्स भी ठीक हैं, बाकी के रिकॉर्ड्स भी ठीक हैं, तो फिर किस बेसिस पे? बावली हो गई है ये, सांड के गले में माला डाल रही है। आपके अलावा 382 अन्य ओटीज का चयन नहीं हुआ है। क्या आप चाहती हैं कि मैं एक एक ऑफिसर को उनके नॉन सिलेक्शन की वजह बताऊं? एंड आर यू क्वेश्चनिंग माय डिसीजन मिस बंसल? सर हम सिर्फ आपसे। दैट्स इनफ, अंदर चलो। सर आपकी जवाबदेही बनती है क्योंकि एक मिनट मैम, सॉरी, क्योंकि जितना कि हम जानते हैं कि आप डायरेक्टर हैं, आप डिक्टेटर नहीं हैं। अगर किसी ओटी में कोई कमी और वो जानना चाह रहा है कि वो कमी कहाँ है, क्यों है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा, ये आपका फर्ज है। ट्रांसपेरेंसी ही डेमोक्रेसी है, ये कैच के नियम की किताब के पहले पन्ने पे लिखा हुआ है, जिसकी 3 कॉपियां आपने हमसे बनवाई थी। डायरेक्टर को डिक्टेटर कहा आपने? आप जानती हैं इसके लिए आपको सस्पेंड किया जा सकता है। सर जवाब तो फिर भी आपको देना पड़ेगा। आज के खबरों में कैट्स के कोच डायरेक्टर जयदीप ठाकुर ने प्रेस को बताया कि जिस ओटी की वजह से एक्सीडेंट हुआ था, एकेडमी उसकी मानसिक स्थिति की जांच कर रही है। कैट्स के डायरेक्टर कल इस घटना के बारे में प्रेस को संबोधित करेंगे। सूत्रों के अनुसार ये मामला उस ओटी की मानसिक हालत का है जिसकी हाल ही में अभी सगाई टूटी है। जयदीप ठाकुर के विभाग से इस पर और टिप्पणी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलेगी। सारा ब्लेम इस लड़की पे डाल रहे, आदि ने तो ऐसा नहीं बताया था। इसके मेंटल हेल्थ पे बात आई तो इसका करियर खत्म हो जाएगा। चाय को ना अच्छी तरह से उबालना चाहिए तो उसकी खुशबू बाहर निकल कर आ जाती है। गिरी, जयदीप ठाकुर से क्या बात हो रही थी आपकी? भाई बहुत अच्छे आदमी है, बहुत ही बढ़िया आदमी। दार्जिलिंग की चाय भेजी उन्होंने तुम्हारे लिए, बोले मैडम को जरूर पिलाइएगा। उस लड़की के पीछे क्यों पड़े हैं आप? उसे कुछ करने से रोकना चाहते हैं आप? उस लड़की से क्या प्रॉब्लम है गिरी? पानी में रह करके मगर से बैठ लिया उसने। ये वही लड़की है जिसने जयदीप के लड़के से रोका तोड़ा है। तुम चाय पियो ना, फिर क्या मजा आएगा, ठंडी हो जाएगी तो। पियो पियो पियो। तो उसके पीछे क्यों पड़े? बच्ची है वो, अफसर है वो, जता चुकी है मुझे। शासन की ताकत उसके साथ है, जनता उसके साथ है, बच्ची नहीं है वो। तो क्या चाहते हैं आप? वो लड़की उस गांव से दूर रहे बस। वसंत खेड़ी क्यों? ओमी से बात हुई तुम्हारी? जी। बहुत टेंशन में था बेचारा। मैंने उससे कहा कि माँ से बात कर लो, 2 मीठे बोल सुनने को मिल जाएंगे। बात कर लेना उससे। उसने वसंत खेड़ी में पूरे हॉस्पिटल की जमीन खरीद ली है। अगर उसमें परेशानी होगी तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आप नहीं चाहते कि वो लड़की वहां जाए और उस अस्पताल की तरक्की हो? चाय में नींबू निचोड़ लो, मिश्री तो तुम खोल नहीं सकती। सुन लिया आप? आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है मिस बंसल, और इस हालत में हम आपको बसंत खेड़ी कैसे भेज सकते हैं? वहां पे आपने कुछ कर दिया तो कौन जिम्मेदार है? इस एकेडमी को
हर ऑफिसर की जिम्मेदारी है। बसंत खेड़ी में आप किसी बिल्डिंग से कूद पड़ी तो Who will be responsible? और सही कहा आपने, ट्रांसपेरेंसी डेमोक्रेसी की सीढ़ी है और डिप्लोमेसी सिविल सर्विस का हथियार। अब आप अपने अगले विजिट का इंतजार कीजिए, नेक्स्ट राउंड खेलिए। दिस फर्स्ट राउंड इज ओवर फॉर यू। सब समझ में आ जाएगा एक दिन इन लोगों को, सारी हेकड़ी निकल जाएगी एक दिन। तुम जानती नहीं हो कि तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के साथ क्या कुछ कर सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं हम। हम भी देखना चाहते हैं ऑफिसर ट्रेनी से ऑफिसर तुम कैसे बनती हो बगैर अपने गुरु के आशीर्वाद के। अरे बसंत खेड़ी जान के चुने थे वो देखना चाह रहे थे तुम्हारा रिएक्शन कागा बंसल। हमारे लिए बसंत खेड़ी जाना बहुत जरूरी है, वहां जाके उन डॉक्टर्स को इंसाफ दिलाना जरूरी है। काव्या काव्या मेरी बात सुनो, मेरे डैड मेरे लिए कुछ नहीं करते हैं, वो जो करते सिर्फ अपने लिए करते हैं। बेचारे, ये मजबूरी है तुम्हारी या तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए जमीन आसमान एक कर दे रहे हो? तुम कह रहे हो कि उन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं है, कितने सीधे हो ना तुम आदि, एक तुम जलेबी की तरह। प्लीज चले जाओ यहां से, प्लीज। पागल हो गई हो तुम, हाँ पागल हो गई हो। It's just one village. बसंतगेड़ी गांव ही तो है यार। काव्या प्लीज, काव्या रो मत, मेरी बात तो सुनो काव्या, ऐसा मत करो काव्या। काव्या तुम्हें ऐसे और बहुत मौके मिलेंगे, अगर इतनी आसानी से अपना दिमाग खराब करोगी तो कैसे? दिमाग हमारा नहीं तुम्हारा खराब है आदि, तुम्हारे लिए हर एक चीज मजाक हो सकती है, हमारे लिए मजाक नहीं है। और ये जो तुम बोलते रहते हो ना कि तुम अपने पापा से अलग हो, तुम्हारी उनसे बनती नहीं है, सब बकवास करते हो तुम। सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए तुमने पूरी की पूरी बात हमारी मेंटल स्टेट पे डाल दी। एक काबिल नेता के काबिल सुपुत्र हो तुम, सारे गुण तुम्हारे वही हैं नेताओं वाले। खाली मत दो यार। देखो तुम अपना फैमिली ड्रामा उठाओ और जाओ यहाँ से प्लीज। काव्या तुम सब गलत समझ रही हो यार। हम गलत समझ रहे हैं? हाँ। हम गलत समझ रहे हैं। ठीक है, अगर हम गलत समझ रहे हैं तो प्लीज हमें बताओ ना कि सही क्या, हम क्या समझे? बोलो, नहीं तुम्हें तो पता होगा ना, क्योंकि तुम्हें आदत है बहाने बनाने की, कहानियां बनाने की, तो बनाओ कोई बहाना, बनाओ कोई कहानी, बोलो। अभी हमने तुमसे अपने दिल की बात कह दी थी। जयदीप अंकल क्यों हमारे साथ इतने ज्यादा पर्सनल हो जाते हैं, क्यों हमसे इतने नाराज है? सब तो मैं बताया था, तुम जानते थे कि उनको सिर्फ और सिर्फ एक मौका चाहिए हमें एकेडमी से बाहर निकाल देने का। तुम सब जानते थे और तुमने उन्हें एक बना बनाया मौका दे दिया, वो वीडियो लीक करके। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Click the show links and enjoy watching the videos.